आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ डॉक्टर संतोष मंडलोई। वैसे आप सभी को पता ही है, इस गर्मी के मौसम में जो तापमान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हम इंसानों, पशुओं और पक्षियों पर भी हो रहा है। हम इंसानों को जब भी प्यास लगती है तो हम लोग कहीं से भी, किसी के पास से भी, या फिर अपने पास रखा हुआ पानी पीकर हम लोग अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो हमारे बेजुबान पक्षी, जिनको भी इस भीषण गर्मी में प्यास लगती, लेकिन वो बोल नहीं पाने के कारण किसी से पानी भी नहीं मांग पाते हैं। ऐसे बहुत से पक्षियों को इस भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल पाने के कारण ये बेजुबान बेचारे पक्षी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। जितना जल हमारे लिए आवश्यक है पीने के लिए, जीने के लिए, उतना ही जल पीने के लिए, जीने के लिए इन पक्षियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इन पक्षियों की भावनाओं को समझते हुए, पानी की ज़रूरत को समझते हुए इस भीषण गर्मी में, इसके लिए हम सब लोगों को बर्तन में पानी भरकर घरों के बाहर, छतों पर, पेड़ों के आसपास, ऐसी छांव वाली जगह पे हमें रखना चाहिए। ऐसे बहुत से पक्षी जो हमारे घरों के आसपास, जैसे गौरैया, मैना, बुलबुल, पैरेट, कौवा, कबूतर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनके हम आवाज़ सुन के, सुबह आवाज़ सुनकर हमारा मन मोहित हो जाता है। क्या हम ऐसे पक्षियों को बचाने के लिए, जिनको हम प्रतिदिन देखते हैं, उनको हम बचाने के लिए क्या एक लोटा पानी भी अपने घर से इन पक्षियों के लिए हम बर्तन में भरकर नहीं रख सकते क्या? क्योंकि इन बेचारों को, बेजवान पक्षियों को पानी नहीं मिल पाने के कारण इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। साथ ही साथ हम जो पानी रख रहे हैं उसके साथ इनके लिए खाने की चीज़ें भी कभी हम रख दें तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होने के कारण इन पक्षियों को भोजन के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ जो हमने पानी इन पक्षियों के लिए रखा, उसमें अगर गुड़ की थोड़ी मात्रा अगर मिला दी जाए तो जिससे क्या होगा, इनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा संतुलित रहेगी और इनको हीट स्ट्रोक जैसी समस्या भी नहीं होगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर इन बेजुबान पक्षियों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें, हम सबको अपने अपने घरों में पानी अवश्य रखना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के लिए।